हाउ टू इंक्रीज डाउनलोडिंग स्पीड इन गूगल क्रोम। जब भी हम और आप गूगल क्रोम में कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड आपने अक्सर देखा होगा कि उसकी कुछ स्लो होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप जो है चुटकियों में उस अपनी डाउनलोडिंग स्पीड को बहुत ही 10 गुना फास्ट आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में ही, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ही सेटिंग्स करना पड़ेगा। कोई ऐप वैप डाउनलोड करने का या किसी और वेबसाइट में जाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब आने के बाद देखो, ये मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। अब ऊपर 3 डॉट में क्लिक करके मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, और डाउनलोड्स में देखो एक चीज़ मैं डाउनलोड कर रहा था जिसको मैंने पॉज कर दिया है। अब मैं इसको मैं दिखा देता हूँ कि अभी की स्पीड इसकी कैसी आ रही है और किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने ऑन किया, तो देखो ये 2 घंटा दिखा रहा है, और देखो ये MB कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, 2 घंटा 1 घंटा करके दिखा रहा है, यानी बहुत ही स्लो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है। अब मैं इसको मैं पॉज करता हूँ। अब चलते हैं वापस बैक जाते हैं। अब देखो, अब ये गूगल क्रोम खुला हुआ है। अब वापस जो है मुझे ऊपर वाला ये देखो जो एड्रेस बार है ऊपर है, मुझे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रोम, फिर ये कोलन देके स्लैश, और फिर लिखना है फ्लैग। देखो ये आपको लिखना है क्रोम, लिखना है कोलन देके स्लैश देके आपको फ्लैग लिखना है। और ये चीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी करके आप कर सकते हो। अब इसको मैंने क्लिक किया, अब खुला इसको। अब खुलने के बाद देखो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ध्यान देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको एक एक करके खोजना नहीं है, तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी होगा। सिंपल से यहाँ पे देखो सर्च फ्लैग्स है, यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड, ताकि आप अच्छी तरह से इसको फोल्डर को खोज सको। तो जैसे ही मैंने लिखा डाउनलोड, और यहाँ पे देखो नीचे थर्ड ऑप्शन में ही यहाँ पे देखो पैरेलल डाउनलोडिंग आ गया है। आप ये स्क्रीन में अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पे यही लिखा गया है कि आप अपनी डाउनलोडिंग स्पीड को बहुत तेज़ी से आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देख लो आपके सामने में है ये चीज़। ठीक है, ठीक है, आराम से इसको पॉज करके आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पे एनेबल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एनेबल मुझे क्लिक कर देना है। जैसे एनेबल में क्लिक करोगे यहाँ पे रीलॉन्च आएगा, मुझे रीलॉन्च इसको कर देना है। अब ये मेरा ब्राउज़र जो है रीलॉन्च हो गया है। अब इसमें जो भी डाउनलोडिंग होगी उसकी रफ्तार 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको लाइव अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मैं जो फिर से मैं जाता हूँ उसको, मैं क्रोम ये गूगल खोल लेता हूँ। अब खुल गया, वापस मैं 3 डॉट में जाता हूँ, और मैं फिर जाता हूँ डाउनलोड्स में। इससे पहले मैं जहाँ पर गया था देखो वहीं पर था। अब मैं इसको वापस मैं करके इसको मैं स्पीड आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वापस मैंने गया इसको जो है खोल दिया। आप देख सकते हो कि स्पीड आपके अभी आपके आँख के सामने में है कि किस तरह से तेज़ी से इसकी स्पीड आ रही है। तो इस तरह से जो है अपनी गूगल क्रोम में डाउनलोडिंग स्पीड को आप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो।